अंतिम गद्य प्रश्न नंबर तीन सौ गद्य थ्री 936 थ्री गद्य नंबर नौ सौ छत्तीस नौ सौ सैंतीस सूत्र नंबर नौ आह अमी पिरीता गतिजायादीद कारण अस्ति कथंचित भेदोपी कुतः कहते हैं कि निर्वाण को प्राप्त हुए ये जीव गति जाति आदि भेदों के कारणों का अभाव होने से भेद व्यवहार से रहते ही हैं फिर भी इनमें कथनचित भेद है किसी से तो पूर्व की अपेक्षा उनमें कुछ भेद है कैसे तो बतलाते क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रतीक बुद्ध बोधित ज्ञावगार संख्याल्प पर बहुत सातः क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रतीक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान अवगाह अंतर संख्या और अल्प बहुत इन द्वारा सिद्ध जीव विभाग करने योग्य हैं पहली धारणा क्या बनानी कि इनमें कोई अंतर नहीं होता इसलिए इनमें कोई भेद नहीं है लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत इनमें भेद किया जा रहा है तीन सौ सैंतीस अंतिम सर्वार्थ सिद्धि का अंतिम गद्य क्षेत्राधिक तेरह अनियोगों के द्वारा क्षेत्राधि भी द्वादश भी द्वादश भी अनियोग ही साध्य विकल्प इत्यथा मूल में कह रहे हैं द्वादश भी मतलब बारह अनियोग द्वारा और हिंदी कार वहां पे तेरह कर रहे हैं ठीक है ध्यान रखें इसको क्षेत्राधिक तेरह अनियोग द्वारा सिद्ध जीव साध्य हैं, अर्थात विकल्प करने योग्य हैं। प्रत्युत्पन्न भूतानुग्रह तंत्र द्वय विवक्षा विवक्षावशात कहते हैं वर्तमान यह विभाग किस अपेक्षा से है तो वर्तमान और भूत का अनुग्रह करने वाले दो नयों की विवक्षा से है जैसे नई गदिक जो नए होते हैं या और भी जो अन्य नए हैं जो वर्तमान और अतीत की दोनों की व्यवस्थाओं को लेकर चलते हैं उनके अनुसार यह कथन यहाँ किया जा रहा है तो सबसे पहले कहते हैं क्षेत्र के तद यथा क्षेत्रेण तावत कस्मिन क्षेत्र सिद्धियंती तो कहते हैं क्षेत्र की अपेक्षा किस क्षेत्र से सिद्ध है सिद्धों में कोई अंतर नहीं है लेकिन जिस क्षेत्र से भी सिद्ध हुए हैं उसकी अपेक्षा उनमें अंतर किया जा रहा है तो सबसे पहले कहते हैं क्षेत्र की अपेक्षा सिद्ध प्रत्युत्पन्न नय, प्रत्युत्पन्नग्राही नयापेक्षा सिद्धि क्षेत्र स्वप्रदेश आकाश वा व सिद्धिर्भवती वर्तमान को ग्रहण करने वाली नई की अपेक्षा सिद्धि क्षेत्र में अपने प्रदेश में या आकाश प्रदेश में सिद्धि होती है अगर प्रेजेंट नई की अपेक्षा देखेंगे तो तुरंत किस में सिद्धि हुई है तो तीन चीजों में सिद्धि हुई एक तो सिद्धि का जो क्षेत्र है दूसरा अपने ही प्रदेशों में सिद्धि हुई है क्योंकि वे कहीं और अवगाहित नहीं है स्वप्रदेशों so, में स्थित थे और आकाश के प्रदेशों में क्योंकि ज्ञान हुआ, तब गए, तब धनुष ऊपर हो उस से ही वे सिद्धि को प्राप्त किए भूतग्राही नए अपेक्ष जन्म प्रति कर्म भूमि सु संहरणम प्रति मनुष्य क्षेत्र सिद्धि क्या अद्भुत है पहले तो बता दिया कि वर्तमान की अपेक्षा देखें तो वे अपने ही प्रदेशों में सिद्ध हैं और दूसरा अगर भूत की अपेक्षा देखें तो किन्हीं पंद्रह कर्मभूमियों में जहां उनका जन्म हुआ था अतीत को ग्रहण करने वाले नए की अपेक्षा जन्म की अपेक्षा पंद्रह कर्मभूमियों में और संहरण अर्थात अपहरण आदि की अपेक्षा मनुष्य क्षेत्रे सिद्धि जो 45 लाख योजन प्रमाण मनुष्य लोक है उस मनुष्य लोक में ही सिद्धि होती है उससे बाहर सिद्धि का कोई स्थान नहीं कर्म भूमियों में उत्पन्न जीव ही सिद्धि के पात्र हैं अन्य नहीं लेकिन कर्म भूमि का जीव यदि कोई देव आदि यहाँ से उठाकर उन्हें उन स्थानों पर ले जाए तो उनकी सिद्धि उन पर्वतों समुद्रों तालाबों नदियों और भोग भूमियों से भी संभव है वहाँ से भी उन्हें सिद्धि होती है इस अपेक्षा लोक का मतलब पैंतालीस लाख योजन का एक प्रदेश या एक इंच भूमि भी शेष नहीं रही जहाँ से उन्हें सिद्धि ना हुई हो अपहरण की अपेक्षा कैसे कहा जैसे कोई पूर्व भाव का बैरी देव हो भी ध्यान करने बैठे और वह आया और उठाकर उनको ले गया भी मुनिराय और ध्यान में तलनीन होते गए और वह भोग भूमि के ऊपर से गुजर रहा था और उन्हें सिद्धि हो गई उसने उन्हें मारने के लिए समुद्र में फेंका और उन्हें मुक्ति हो गई इस प्रकार से जब एक प्रदेश पॉइंट नहीं बचा पैंतालीस लाख योजन में तो इसका अर्थ है कहाँ कहाँ से कैसी कैसी कंडीशनों में सिद्धियाँ हुई होंगी मुक्तियाँ हुई होंगी वर्तमान चौबीसी की अपेक्षा हम पांच स्थानों को चिन्हित करते हैं कि ये अष्टापद है चंपापुर है गिरनार है कुंडलपुर है संवेश से कर इसके अलावा अनंतानंत चौबीसियाँ संवेशकर से, से सिद्ध क्षेत्र से मुक्ति को प्राप्त हुई इनके अलावा सामान्य केवली भगवंत आदि की सिद्धियाँ अनेक स्थानों से सिद्धि को प्राप्त किए गए हैं हुई हैं अब आगे चलते हैं अब दूसरे नंबर पर कहा काल काल की अपेक्षा सिद्धि तो कहते हैं कालेन कस्मिन काली सिद्धि काल की अपेक्षा किस काल में सिद्धि हुई तो कहते हैं प्रत्युत्पन्नयापेक्षा एक समय सिद्धान सिद्धो भवती वर्तमान ग्राही नय की अपेक्षा एक समय में सिद्ध होता हुआ सिद्ध होता है एक समय में क्योंकि अन्य समयों में नहीं हर जीव अपने एक समय में ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता मुक्त हो गया बस लेकिन भूत प्रज्ञापन नयी अपेक्षाया जन्मतः अविशेषी जन्मतः अविशेषेण उत्सर्पिण्य व उत्सर्पिण्य व अवसर्पणी सर्पण्यो जाता सिद्धिति कहते हैं अतीत काल की नयी की अपेक्षा जन्म की अपेक्षा सामान्य रूप में उत्सर्पिणी और अवसर्पणी में उत्पन्न हुआ सिद्ध है ये तो मतलब सामान्य से सेशेषेण विशेषेण अवसर्पिणिया दुष्मा जाता सिद्ध्यति क्या कहते हैं विशेष रूप से अवसर्पिणी काल में उस, शुष्मा, शुष्मा दुष्मा सुष्मा सुषमा दुष्मा सुषमा दुष्मा मतलब चौथी काल की हाँ। पहला काल सुष्मा सुषमा फिर सुषमा फिर सुषमा दुष्मा तीसरे काल के अंत में और दुष्मा सुषमा अर्थात हुआ सिद्ध होता है। ध्यान से देखते जाएं, आदिनाथ भगवान कब सिद्ध हुए तीसरे काल के अंत में तो तीसरे काल के अंत में और चौथे काल में जन्मा जीव सिद्ध होता है और कोई कंडीशन है क्या हाँ तो कहते हैं ना तो दुष्याम जा तो दुष्मयाम कहते हैं लेकिन पंचम काल दुस्मा काल में उत्पन्न हुआ दुष्मा काल में सिद्ध नहीं होता अब इसमें एक विशेषता ये भी जानना कि जो चौथे काल में जन्म ले गया वो पंचम काल में सिद्ध हो जाता है जैसे जम्मू स्वामी भगवान जैसे अंतिम केवली भगवान श्री श्रीधर महाराज गौतम स्वामी महाराज जम्मू स्वामी महाराज सुधर्म आचार्य और अंतिम केवली श्री श्रीधर महाराज इन सबकी सिद्धि पंचम काल में हुई कैसे हुई क्योंकि भगवान वर्धमान महावीर स्वामी जिस दिन मोक्ष गए उस दिन से पंचम काल के मात्र तीन वर्ष आठ माह पंद्रह दिन शेष थे और भगवान इंद्रभूति गौतम गढ़धर बारह वर्ष तक केवली रहे तो अब उनकी सिद्धि कब होगी पंचम काल में सिद्धि हुई तो ये जीव पंचम काल में सिद्धि को प्राप्त किए अब कहते हैं आगे नई काल को छोड़कर अन्य में सिद्ध नहीं होती ध्यान से इन कालों को छोड़कर अन्य कालों में सिद्धि नहीं होती सनहरणता सर्वस्मिन काले उत्सर्पिणा उत् उत्सर्पिण्याम अवसर अवसर्पिणिया कहते हैं संहरण अर्थात अपहरण की अपेक्षा उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के समयों में सब समयों में सिद्ध होता है और संहरण की अपेक्षा अन्य में भी सिद्धि संभव है जैसे यहाँ से कोई उठा के ले गया और वहाँ पे पहला भूभूमि का पहला काल चल रहा है कहीं दूसरा काल चल रहा है कहीं तीसरा काल चल रहा है तो इन सब में भी सिद्धि संभव है अब आगे कहते हैं गति गत्या कश्याम इति गति की अपेक्षा किस गति में सिद्धि होती है तो कहते हैं सिद्ध गतौ मनुष्य गत की गति तो सिद्ध गति है और जन्म की अपेक्षा मनुष्य गति है अन्य की गतियों में सिद्धि नहीं होती दो ही गतियां हैं एक तो स्वयं की सिद्ध गति और जन्म की अपेक्षा जिससे वे यहां आए हैं तो वर्तमान कालीन तो सिद्ध गति है और अतीत कालीन मनुष्य गति है अन्य गतियों से सिद्धि नहीं होती सुनिए तो सब विषय हैं अपन ने लेकिन ये आगम प्रमाण है हमने सबने ये विषय सुन के रखे हैं ऐसे कोई विषय एक आध दो आएंगे जो पहले कभी नहीं सुने हो सारे विषय हम और आपने खूब प्रवचनों के माध्यम से खूब जिज्ञासाओं के माध्यम से सुने हैं कि इनको यहाँ से सिद्धि होती है उनको वहां से सिद्धि होती है इन कालों में सिद्धि नहीं होती लेकिन ये आगम प्रमाण है देव एक एक सिद्धि बतला रहे हैं आगे अब कहते हैं लिंग तो लिंग की अपेक्षा लिंगेन केन सिद्धि तो कहते हैं किस लिंग से सिद्धि होती है उत्तर अवेदेन त्रिभ्यो वेद सिद्धि भाव तो न द्रव्यता कहते हैं अवेदभाव से या तीनों वेदों से सिद्धि होती है यह कथन भाव की अपेक्षा है द्रव्य की अपेक्षा न द्रव्यता न अर्थात पहले तो अवेद भाव से ही सिद्धि होती है क्योंकि नौवी गुण स्थान में ही वेद कसाय समाप्त हो गई तो अवेद भाव से ही सिद्धि हुई मतलब उनकी कोई भी वेद नहीं है उनके ही सिद्धि होगी लेकिन उस भाव में भी तीनों वेद वाले सिद्ध हो सकते हैं कौन से भेद भाव भेद जो भावों से स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों वेद वाले हों लेकिन द्रव्यता पुल्लिंगेन एव ये सिद्धांत कि पुर द्रव्य से तो पुरलिंग से ही सिद्धि होती है इसके अलावा नहीं होती ठीक चलिए अब आगे अभी कोई कह रहा उत्सर्पणी में सिद्धि की चर्चा क्यों की अरे जैसे इस काल में चौथे का, तीसरे काल चौथे काल में सिद्धि होती है वैसे उत्सर्पणी का जब काल आएगा तो वहां पर भी चौथे और पांचवे उस वहां के क्रम से जब अपन उत चढ़ाई होगी तो पहला छठवां आएगा फिर पांचवा आएगा फिर चौथा और फिर तीसरा आएगा तब वहां भी इस प्रकार की सिद्धि होती इसीलिए दोनों कालों में सिद्धियां हैं ऐसा नहीं कि उस समय सिद्धि नहीं होगी वहां भी सिद्धि होगी तभी तो महापद्म नाम के जो श्रेणिक महाराज हैं वे पद्म महापद्म नाम के तीर्थंकर बनकर आने वाले चौथे काल में अवतरित होंगे और फिर उनको मुक्ति की प्राप्ति होगी इस प्रकार जानना अब आगे कहते हैं द्रवता एव ये सिद्धांत कि द्रव्यलिंग से ही द्रव्यलिंग तो पुरुष ही चाहिए उसके बिना सिद्धि नहीं होती अथवा लिंगेन और निर्ग्रंथलिंग से सिद्धि होती है सवस्त्र की सिद्धि नहीं होती जब तक एक लंगूटी भी है तब तक सिद्धि नहीं होगी फिर वस्तधारी की सिद्धि ये सारे के सारे अन्य सिद्धियों पर अन्य मतान्तरों की कपड़ा पहनकर स्त्रियों की सिद्धि मल्ली कुमारी की सिद्धि इन सब का खंडन यहाँ कर दिया जितनी भी अन्य अन्य सिद्धियां बतलाई उन सब सिद्धियों का ये खंडन है ऐसा जानना फिर आगे कहते हैं सग्रंथ सग्रंथ लिंगे न सिद्धिर भूत पूर्व नय अपेक्षया तो कहते हैं सद भूतपूर्व नये की अपेक्षा सग्रंथ लिंग से सिद्धि हो, होती है पूर्व में वे सग्रस्त थे ग्रस्त आदि से भी यहां आए हैं इसलिए उनकी उस अपेक्षा से सिद्धि माननी चाहिए लेकिन यहां यह अपेक्षा नहीं लगाना कि सग्रंथों की सिद्धि होती है आगे है न, तीर्थ तीर्थ सिद्धि द्वेधा तीर्थंकर इतर विकल्पात तीर्थ तीर्थ सिद्धि दो प्रकार की है तीर्थंकर सिद्ध और इतर सिद्ध इतर मतलब तीर्थंकरों के अलावा तो तीर्थंकर सिद्ध और इतर सिद्ध इतर द्विधा इतर भी दो प्रकार का सती तीर्थंकर सिद्धा आसीत चा कहते हैं इतर भी दो प्रकार के कितने ही जीव तीर्थंकर के रहते हुए सिद्ध होते हैं और चारित्र केन सिद्ध थी कितने ही जीव तीर्थंकर के अभाव में सिद्ध होते हैं कितने जीव तो होने पर होते हैं और कितने ही असती चेती और कितने ही तीर्थंकर के नहीं होने पर सिद्ध होते हैं जैसे जब तक तीर्थंकर भगवान थे तब तक तो सिद्धियाँ हुई तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी नहीं रहे उसके बाद भी तीन अनुवद्ध केवली और आठ अंतिम केवली भगवंतों तक ऐसे ग्यारह केवली भगवंतों को सिद्धि प्राप्त हुई आदिनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद भी कितने समय तक जीव सिद्धि को पाते रहे ये कहलाते हैं सिद्ध और जो तीर्थंकर के सामने सिद्ध हो गए वे तीर्थंकर सिद्ध कहलाते हैं अब आगे कहते चारित्रेन केन सिद्धति अब चारित्र से किस प्रकार सिद्धि होती है तो यहां पे बतलाते चतु पंच विकल्प चारित्रेन वा सिद्धि कहते हैं नाम रहत चारित्र जिसे कहते हैं अव्यपदेश चारित्र सिद्धों के को चारित्र को अव्यपदेश चारित्र कहते हैं उनके चारित्र को कोई नाम नहीं दिया जा सकता वो अद्भुत है अकल्पनीय अप्रमेय चारित्र है यथाख्यात चारित्र से भी अद्भुत उनकी अवस्था है इसलिए उस चारित्र को कोई नाम नहीं देते ऐसे नाम रहित चारित्र से सिद्धि होती है अथवा एक दो एक चार और पांच प्रकार के चारित्र से सिद्धि होती है जो एक सामान्य से चारित्र है चार प्रकार का चारित्र और पांच प्रकार का जो प्रत्येक प्रकार का चारित्र आपको बतलाया गया उनमें से किन्हीं एक चारित्र से सिद्धि होती है तो एक चार और पांच प्रकार के चारित्र से सिद्धि होती है कोई जीव ने मात्र एक ही चारित्र धारण किया तो कौन सा यथाख्यात चारित्र सिद्धि किसी जीव के चार चारित्रों से सिद्धि हुई तो यथाख्यात को छोड़कर अन्य चारों चारित्रों को क्रमशः सामायिक चारित्र धारण किया और अच्छेद छेदोपस्थापना धारण नहीं करके परिहार विशुद्धि सूक्ष्म शाम्पराय और यथाख्यात और मुक्ति को प्राप्त हो गए परिहार विशुद्धि उनके उपलब्ध नहीं हुआ ये चार सिद्ध चार चारित्र से सिद्धि और किन्हीं जीव ने क्रमशः पांचों चारित्रों को धारण किया सामयिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म प्राय और यथाख्यात धारण करके मुक्ति को हो गए कंपलसरी क्या है कंपलसरी है दो चारित्र एक तो सामायिक धारण करना है और ऊपर यथाख्यात और इसके बाद मुक्ति हो जाएगी लेकिन सूक्ष्म शाम रास्ते में आएगा ही आएगा इसीलिए आचार्य ने ऐसी व्यवस्था बनाई अब ये चार वाले कौन है चार वाले हैं तीर्थंकर तीर्थंकर भगवंतों के छेदोप्रस्ता अपना चारित्र नहीं होता वे डायरेक्ट सामायिक चारित्र में दीक्षित होते हैं तो उनकी अपेक्षा ये चार चारित्र की बात भी कह दी और जो यथाख्यात की उप यथाख्यात से सिद्धि हो रही है उसकी अपेक्षा एक चारित्र सिद्ध कहा इस प्रकार इनको जानना और भी कुछ विशेषता हो सकती हैं जितनी अपने ज्ञान का विषय है अपन उतना उसको जान रहे आगे अब ज्ञान की अपेक्षा कहते स्वशक्ति पर उपदेश निमित्त ज्ञान भेदात प्रत्येक बुद्ध बोधित विकल्प कहते हैं प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध ये दो शब्द हैं अपनी स्वशक्ति अपनी शक्ति रूप निमित्त से होने वाले ज्ञान के भेद से प्रत्येक बुद्ध होते प्रत्येक बुद्ध मतलब जिनका कोई गुरु नहीं होता जो किसी से पढ़ते नहीं जो किसी से दीक्षा नहीं लेते स्वयं ही अपने आप सबको जानकर और सिद्धि में लगते हैं दूसरे होते हैं बोधित जो दूसरों के उपदेश से निमित्त पाकर और फिर दीक्षा आदि को लेकर सिद्धि को प्राप्त करते हैं तो स्वशक्ति पर उपदेश निमित्त भेदात प्रत्येक बुद्ध बोधित विकल्प ज्ञान ज्ञानेन केन तो कहते हैं ये हो गया यहाँ पे प्रत्येक बुद्ध तो अपनी शक्ति निमित्त से होने वाली ज्ञान के भेद से प्रत्येक बुद्ध होते हैं और परोपदेश रूप निमित्त से होने वाले ज्ञान के भेद से बोधित बुद्ध होते हैं इस प्रकार ये दो प्रकार के हैं अब ज्ञान से सिद्ध तो कहते हैं ज्ञान केन ज्ञान से सिद्धि किस प्रकार हुई तो बतलाते एक दि त्री चतुर्भि चतुर्भिच ज्ञान विशेष सिद्धि कोई एक ज्ञान से कोई दो ज्ञान से कोई तीन ज्ञान से कोई चार प्रकार के ज्ञान विशेषों से सिद्ध होते हैं अब यहाँ भी वही बात है एक ज्ञान तो केवल ज्ञान केवल ज्ञान से सिद्ध हुए दो ज्ञान तो अन्य कोई दो ज्ञानों से मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को पाकर अंत में केवल ज्ञान पाकर सिद्ध हुए कोई तीन ज्ञान मति, श्रुत अवधि ज्ञान को सिद्ध हुए कोई चार ज्ञान मति, श्रुत, अवधि मन पर्याय ज्ञान से सिद्ध हुए इस प्रकार लगाना फिर आत्म प्रदेश व्यापित्व अवगाहनम अवगाहन क्या है तो कहते हैं आत्म प्रदेशों में व्याप्त रहने का नाम अवगाहना है आत्म प्रदेशों में जो रहना है उसी का नाम अवगाहन है आकाश का कार्य कार तो अलग है अवगाहन स्थान देना यहाँ हम कहाँ अवगाहित हैं इसे दो की चर्चा चल रही है सर्वोत्कृष्ट परम आध्यात्म तो कह रहे हैं अपनी में ही रहना ये परम अवगाहना है उसमें भी दो प्रकार से है कैसे तो बतलाते तथ्विधम वो प्रकार से उत्कृष्ट जगन भी, भी उत्कृष्ट अवगाहना सिद्ध और जगन्न अवगाहना सिद्ध ये कैसे होते हैं तो आगे बतलाते हैं तत्कृष्ट पंच धनोसता पंच विंशति उत्तराणी देखो मूल सिद्धांत क्या बनाया कि वह उत्कृष्ट से 550 धनुष ऊंचाई 525 धनुष ऊंचाई वाले तत्कृष्टम पंच धनुष सतानी 500 धनुष वाले और उत्तराणी अधिक करना कितना पंचविंशति मतलब पच्चीस 525 सौ पच्चीस धनुष वाले 525 सौ पच्चीस धनुष उत्कृष्ट अवगाहना किन की थी भगवान बाहुबली की कि सर्वोत्कृष्ट अवगाहना से सिद्ध हुई और भगवान आदिनाथ की 500 सौ धनुष फिर आगे आते हैं तो कहते हैं जगन्नम अर्ध चतुर्थ चतुर्थ अर्तन देश देशो नाह कहते हैं ने जगन्य कितनी जगन्ना वगाना कुछ कम साढ़े तीन अरतनी अरतनी शब्द का अर्थ होता है हाथ तो चतुर्थ अर्ध मतलब चार में आधा कम चार में आधा कम मतलब तीन साढ़े तीन साढ़े तीन हाथ जगन्न है भगवान महाविश्वामी कितने थे सात हाथ के साढ़े तीन हाथ तक का जीव सिद्ध हो सकता है इससे नीचे वाला जीव सिद्ध नहीं होता ठीक है मध्य विकल्प और मध्य में कितनी है तो बीच के अनेक भेद हैं मतलब साढ़े तीन हाथ से लेकर 525 धनुष के बीच तक जितने विकल्प हैं उन सब की सिद्धि संभव है हो सकती है एक स्मिन अवगाह सिद्धि कहते हैं किसी एक अवगाहना में सिद्धि होती है ठीक अब आगे कि मंतरम् अंतर क्या है अभी अंतर बदला है ना ये किसी चीज़ बदला रहे हैं अब अंतर अंतर मतलब होता है गैप पहले भी अपन ने इसको जाना कि जब एक सिद्ध हुए उसके बाद अब दूसरे सिद्ध कब होंगे इसका बीच का जो अंतर है उसको बदलाते सिद्धाम सिद्धानाम अनंतरम् जगन्नेन जगन्नेन दोषमयो उत्क� कहते हैं सिद्धि को प्राप्त करने वाले सिद्धों का जघन्य अंतर दो समय है और उत्कृष्ट अंतर का भाव आठ समय है अगर जघन्य अंतर है तो कितना है तो जगन अंतर है जगन अंतर का अभाव दो समय है दो समय तक और उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट से है आठ समय तक फिर कहते हैं अंतरम अंतरम अनंतर है अनंतर मतलब गैप नहीं होगा ठीक है अगर गैप नहीं होगा तो जगन्य से दो समय का गैप नहीं होगा और उत्कृष्ट से आठ समय का अंतर नहीं होगा अब अंतर मतलब गैप होगा तो कितना होगा तो जगन्नेन एक समय और उत्कृष्टेन ष मासहा उत् जगन्य तो कितना है जगन्य एक समय है और उत्कृष्ट अंतर छ महीना है क्योंकि ऐसा नियम है कि अगर छह महीने तक कोई सिद्ध नहीं हुआ तो चल जाएगा लेकिन अंत के आठ जो समय बचेंगे उनमें 608 जीव सिद्ध होंगे तो अंतिम मानो कोई जीव आसिद्ध हो गया अब छह महीने तक कोई सिद्ध नहीं होगा तो फिर अंत में जाकर जो बचे हुए अनंतर दिन आठ समय उन आठ समयों में फिर लगातार जीव सिद्ध होंगे ये प्रोसेस चलती है तो पहले अनंतर बताया अनंतर मतलब गैप नहीं होगा तो कितना गैप नहीं होगा उत्कृष्ट से, से दो समय और जघन्य से दो समय उत्कृष्ट से आठ समय और अंतर होगा यदि गैप होगा एक सिद्ध के बाद दूसरे सिद्ध का तो जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से ष मास अर्थात छ महीने तक छह महीने तक कोई सिद्ध ना हो यह भी संभव है अब संख्या की अपेक्षा बताते संख्या सिद्ध आगे संख्या जगन्नेन एक समय एक सिद्ध थी जगन्न रूप से एक समय में एक जीव सिद्ध होता है और उत्कृष्टेन अष्टोत्तर सत संख्या उत्कृष्ट रूप से एक समय में 108 जीव सिद्ध होते हैं ये अच्छी तरह इसको आ, समझ के चलना है 108 जीव ही एक समय में उत्कृष्टता से सिद्धि को प्राप्त होते हैं अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है इसमें कि जैसे हमने सुना आदिनाथ भगवान के साथ इतने जीव मोक्ष गए या इन भगवान के साथ इतने जीव मोक्ष गए तो फिर वे कैसे बनेंगे तो वह मात्र ऐसा जानना कि वे उनके साथ साधना करने बैठे या उनके आगे पीछे साधना करने बैठे या उनके मोक्ष के दिन या उनके आगे पीछे मुक्ति को प्राप्त किया क्योंकि नियम सिद्धांत तो यही है कि 108 जीव ही एक समय में सिद्ध होंगे तो आदिनाथ भगवान के साथ सिद्ध हुए का मतलब यह है या तो उसी दिन सिद्ध हुए या उनके साथ ध्यान करते हुए या उस स्थान से आगे पीछे सिद्ध हुए जैसे आप समय से करा दिख जाते ना तो इस टोंक से इतने सिद्ध हुए या इन भगवान के साथ इतने सिद्ध हुए जब आप उत्तर पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ बार बार लिखा होगा कि इनके साथ इतने मुनिराज उन्हें दीक्षा ली फिर इतने मुनिराज इनके साथ सिद्धि को प्राप्त हुए तो वहाँ इस सिद्धांत से अबाधित बाधित ना हो ऐसा विषय जानना अब आगे कहाँ आ गए अपन ठीक है क्षेत्रादि भेद भिन्ना नाम परस्परतः संख्या विशेषो बहुलत्वम कहते हैं अल्प बहुत्व क्षेत्रादिक की अपेक्षा भेदों को प्राप्त जीवों की परस्पर संख्या का विशेष ज्ञान करना अल्प बहुत्व तो है अल्प बहुत मतलब होता है अपेक्षाकृत अध्ययन इसे हम कहते हैं कंपेरिजन कंपेरेटिव स्टडी तो क्या करना कहाँ से कितने हुए कहाँ से कितने हुए कहाँ से ज्यादा होते हैं कहाँ से कम होते हैं ये जो कंपेरिजन होता है इसको कहते हैं अल्प बहुत्व तद्य तो था व इस प्रकार प्रत्युत्पन्न पन्नपन्न अपेक्षा सिद्धि इति सिद्ध्यस्त अल्प बहुत्व तो फिर वही बात कि वर्तमान काल की अपेक्षा तो सिद्धि क्षेत्र में सिद्ध होने वाले जीवों का अल्प बहुत तो नहीं है क्योंकि उनमें कोई कंपेरिजन नहीं होता लेकिन भूत नए भूत भूतपूर्व नया अपेक्षा तू चिंतित भूतपूर्व नए की अपेक्षा विचार करते हैं क्या विचार करना बदलाते क्षेत्र सिद्ध द्विविधता क्षेत्र क्षेत्र दो प्रकार के जैसे अभी पहले कहा था बेसिक तो पहला जन्मता और दूसरा सन सं, सनहरणतः एक तो जन्म की अपेक्षा सिद्धि और दूसरी छे जो कोई जीव अपहरण करके ले गए उनकी अपेक्षा सिद्धि तत्र अल्पे संहरण सिद्धा उनमें सबसे कम सिद्ध हैं अपहरण से सिद्ध क्योंकि तो कितने जीव ले जाएंगे तो उनसे उनकी अपेक्षा सबसे कम जीव हैं तो संहरण सिद्ध सबसे अल्प हैं सबसे कम हैं फिर जन्म सिद्धा संख्येय गुणा इससे जन्म सिद्ध संख्यात गुणी हैं जितनी वो उनसे संख्या जन्म सिद्ध हैं जन्म सिद्ध मतलब जिनके जहां जन्म हुए वहीं से उनकी सिद्धि हुई इस प्रकार क्षेत्र नाम विभाग कर्मभूमि अकर्म भूमि समुद्रो द्वीप ऊर्धम अधा त्रिय गति तो अब फिर और क्षेत्रों में क्या विभाग किए तो क्षेत्रों का विभाग इस प्रकार है भूमि अकर्म भूमि अर्थात भोग भूमि समुद्र द्वीप, ऊर्धलोक अधोलोक और त्रिय लोक इनमें भी कोई अंतर है तो कि हाँ तत्का तो ऊर्धलोक सिद्धा उनमें सबसे कम है मतलब सबसे कम सबसे कम है ऊर्धलोक से सिद्ध मतलब आसमान से जिनको सिद्धि हुई भी सबसे कम फिर अधोलोक सिद्धा संख्य गुणा और अधोलोक से सिद्ध इनसे संख्यात गुणे हैं अधोलोक से कैसे सिद्धि होगी जैसे किसी मुनिराज को किसी ने समुद्र में फेंक दिया और वे हजारों योजन नीचे चले गए और वहां से उनको सिद्धि हुई या कोई मुनिराज कहीं ध्यान करते हुए किसी गुफा आदि में प्रवेश कर गए कि किसी ने उन्हें वहां छोड़ दिया या ले जाके छोड़ आया तो भी उनसे जो ऊपर सिद्ध हुए उर्ध्व लोक में उनसे संख्यात गुणे उससे सिद्ध हुए अधोलोक से फिर कहते हैं त्रियग लोक सिद्धा संख्य गुणा और उनसे भी संख्यात गुणा उनसे त्रियग लोक सिद्ध संख्यात गुणे हैं फिर उसके बाद सर्वता स्तोका समुद्र सिद्धा और उनमें भी सबसे कम सिद्ध हैं समुद्र सिद्ध जिन्हें समुद्र से सिद्धियां हुई हैं ठीक है अब आगे द्वीप सिद्धा संख्य गुणा और जो द्वीप से सिद्ध हुए वे संख्यात गुणी हैं समुद्र सिद्ध और द्वीप में अगर कल्पना करेंगे तो द्वीप में सबसे कम और उनसे सब उनसे संख्यात गुणी समुद्र में सबसे कम और द्वीप में उससे संख्यात गुणी एवं तामत अविशेषेण यह सामान्य रूप से कहा अब विशेष रूप से कहते हैं दोनों प्रकाश जानना विशेष रूप से कहते हैं सर्वता इस्तो का लवण समुद्र लवण उदय सिद्धा तो कहते हैं सबसे कम सिद्ध कहाँ से हुए तो सबसे कम सिद्ध हैं लवण समुद्र से फिर कहते हैं कालोदधि सिद्धा संख्ये गुणा उससे इनसे संख्यात कालोददी कालो, ददी सिद्ध है। कालो ददी से जो सिद्ध हुए इसका अपेक्षा क्यों बनी इसकी अपेक्षा इसलिए बनी क्योंकि आ, यहां पर तो स्थान कितना मात्र दो लाख योजन विस्तार चमुद्वीप एक लवर समुद्र दो लाख वो जो विस्तार है वो कितना है आठ योजन प्रमाण तो इसके लिए उसके सिद्ध अधिक हो गए ठीक है एरिया की अपेक्षा फिर इसके बाद कहते हैं जम्मूद्वीप सिद्ध संख्य गुणा और जम्मूद्वीप सिद्ध उससे भी संख्यात गुणे हैं क्योंकि जम्मूद्वीप भूमि है तो भूमि से अधिक सिद्ध हुए समुद्र से कम सिद्ध होते फिर कहते हैं धात की खंड सिद्धासंख्य गुणा और इससे जम्मू सिद्ध असंख्य गुणा और उससे धात की खंड सिद्ध असंख्यात गुणे हैं यहाँ भी वही अपेक्षा लगाना कि जम्मूद्वीप से उसका एरिया बहुत बड़ा है जम्मूद्वीप से दुगना कालो लवण समुद्र और लवण समुद्र से भी दुगना वह है धातुकी खंड इसलिए वहां से और अधिक सिद्ध हुए फिर पुष्कर द्वीप पुष्कर द्वीपार्ध सिद्धा संख्य गुणा इससे पुष्कर वर द्वीप पुष्करार्ध द्वीप सिद्ध संख्यात गुणी है अर्थात वहाँ के सिद्ध और अधिक हैं एवं कालादि विभागे पी। यथागम अल्प बहुत्व वेदितव्यम इस प्रकार आदि का विभाग करने पर भी आगम के अनुसार अल्प बहुत्व तो जान लेना चाहिए ऐसे काल की अपेक्षा इस काल में अधिक सिद्ध होंगे इसमें कम सिद्ध होंगे तीर्थंकरों की अपेक्षा इन तीर्थ में ज़्यादा होंगे इनमें कम होंगे इसी क्षेत्रों की अपेक्षा ऐसी सबकी अपेक्षा ये लगाते रहते हैं आगम में इसका बहुत विस्तार है और पूरा सटखंडा गाँव जब हम ग्रंथ का अध्ययन होता है तो उनमें एक अंतर प्रूपणा नाम का पूरा अधिकार होता है तीन तीन चार चार किताबों तक बस यही चलता रहता इसका अल, अंतर उसका अंतर उसका अल्प बहुत तो इसका भाव इसकी विशुद्धि उसके परिणाम उसकी संक्लेषता उसका आदि यहाँ तो सिद्धों की चर्चा है और सिद्ध भगवंतों में अभेद दृष्टि है वहाँ कोई अंतर नहीं है वे भेद से रहत रंग से रहत शरीर से रहत कर्म से रहत, रूप, वर्ण सब से रहत परम निर्मल परम शुद्ध हे अशरीरी सिद्ध भगवान तुम ही आदर्श मेरे हम सबके आदर्श तो भगवान आप ही हैं जिसकी शुरुआत उस की मोक्ष क्या है एक प्रश्न से एक सिद्धे नाम के श्रावक ने शुरू की थी आज उसकी जिज्ञासा यहाँ पर जाकर शांत हो गई किस प्रकार वह सिद्धि है मार्ग है पूरा तत्व सूत्र एक सूत्र पर चल गया एक सूत्र क्या सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग आचार्य भगवंत ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और अंत में मोक्ष तक लाकर उस श्रावक को छोड़ दिया और उससे कहा देखो यहाँ आकर यह सिद्धि है उपलब्धि है तो हम सब भी अपने जीवन में यही पवित्र भावनाएं और मंगल भावनाएं भरें कि इस स्वाध्याय का फल यह हो कि पहला तो व्रतों की उपलब्धि हो संलेखना समाधि पूर्वक मरण हो और शीघ्रतिशीघ्र केवल ज्ञान की उपलब्धि हो पूज्यवर आचार्य भगवंत पूज्यपाद देव को बार बार याद करो उनकी वो पंक्तियां भी याद करें क्या लिखा उन्होंने उन्होंने लिखा यति निचिते चैत सिंतवारोनी संन्वित मरणम हे भगवन जन्म जन्म में, में मेरा सन्यास पूर्वक मरण हो कैसा हो तो गुरु मूले गुरु के चरणों में हो और यति निचिते यतियों का समूह बैठा हो और चैत्य अर्थात जीनेन्द्र भगवान की प्रतिमा हो और चैत सिद्धांत वारधी सदघोषे और सिद्धांत रूपी समुद्र का जहाँ सदघोष हो रहा हो और मेरा प्राण वहीं छूट जाए तो ऐसी सर्वाध सिद्धि पढ़ते हुए हम यही भावना भाएं कि ऐसी ही स्वाध्याय करते करते व्रतों से सहित पूर्वक समाधि मरण करें ऐसी पवित्र भावना सर्व अर्थ सिद्धि संपूर्ण अर्थ अर्थात प्रयोजनों की सिद्धि देने वाली है तो संपूर्ण प्रयोजनों की भी कोई सिद्धि है उसका नाम है मुक्ति तो वह मुक्ति हम सबको उपलब्ध हो पूजपा देव ने बहुत सुंदर पंक्ति अंतिम मंगल के रूप में स्टोपदेश ग्रंथ के अंदर कही है और वह स्टोपदेश ग्रंथ के अंतर्गत जो पंक्ति कही वो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो पंक्ति हमें जीवन भर याद रखनी है और जीवन भर उसका चिंतन भी करना उन्होंने लिखा स्टोपदेश मिति सम्यक अध्यमान मानापमान समताम स्वता मुक्ताग्रहो विनशन सजने वने वा सजने वने वा मुक्ता मुक्तिश्रि निरुपत, कि हे जीव तरह अच्छी तरह क्या करना है इस ग्रंथ को पढ़कर वहाँ स्टोपदेश का कहाँ यहाँ हम सर्वात सिद्धि को घटित करें और पूज्य देव का चिंतन करें कि स्टोपदेश का यह अध्ययन बहुत ही अच्छी तरह हुआ ऐसी सर्वात सिद्धि का यह अध्ययन बहुत ही अच्छी तरह हुआ आइए अंतिम मंगल की ओर चलते हैं